हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ PhD के बारे में। जैसा कि आप सबको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि हमारा आंसर की आ चुका है और ऑब्जेक्शन का फॉर्मेट किस तरीके से आपको लिखना है और ऑब्जेक्शन डेट कितनी है, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन रॉन्ग है हमारे ऑफिशियल आंसर की में, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है। और ऑब्जेक्शन की डेट आपकी जो है 2 जनवरी 2022 तक है और आज 1 तारीख है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में जो है कि आप लोग ऑब्जेक्शन करने की कोशिश करें, जिससे कि आप लोग को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आप लोग होंगे उतने ही ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद जो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी बुक में आपको ये मिल जाएगा। ये है एक इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय, तो इसका जो है आंसर जो है CSO है, जबकि आपका जो है यूनिवर्सिटी ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दिया है। ठीक, तो इसमें आप चाहे कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक उठाएं जिसमें नेशनल इनकम का जो है हमारा दिया होता है, या झिंगन की बुक उठाएंगे आप तो उसमें नेशनल इनकम एस्टिमेशन वाला जो है बुक है वहाँ पर जो है आपको क्लियरली मेंशन होगा उस चैप्टर में, जहाँ पर नेशनल इनकम एस्टिमेशन बाय CSO, वहाँ से आप जो करके कर सकते हैं। और किस तरीके से किस फॉर्मेट में करना है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। ठीक, नेक्स्ट यही सेम क्वेश्चन है लेकिन दूसरे तरीके से पूछा है, द इंस्टीट्यूशन विच कंप्यूट नेशनल इनकम इन इंडिया, तो यहाँ पर जो है CSO है, लेकिन कमीशन ने यहाँ पे इसका आंसर फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया हुआ है। तो आपको कैसे लिखना है इसका फॉर्मेट, कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 144 इन सीरीज बी गिवेन बाय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, बट ऑप्शन डी इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द बुक का नाम, जिस बुक से आप प्रूफ दे रहे हैं और जिस बुक का ऑथर, पब्लिकेशन और पेज नंबर, ये सारी चीज़ें डालेंगे। आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरीके से वहाँ पे करना है। सॉरी, ये जो क्वेश्चन नंबर 144 है इसका ऑप्शन जो है आपको सही दिया गया है, 144 का जो है ऑप्शन नंबर डी ही दिया गया है सीरीज बी में, तो यहाँ पे आपको जो है ऑब्जेक्ट नहीं करना है, ये सही है। नेक्स्ट है हमारा 188 है, जिसमें इन विच ईयर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वॉज रिप्लेस बाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक, इसका राइट आंसर 1999 है 188 का, जबकि यूनिवर्सिटी ने जो है 2000 दिया है। ये आपको जो है अगर किसी बुक में ना मिले, वैसे आप किसी बुक में ढूंढेंगे इंटरनेशनल की बुक में तो वो मिल जाएगा फेमा, और अगर आपको वहाँ से ना मिले तो आप जो है साइट, गूगल साइट, यानी कि आप जा करके गूगल साइट पे विकिपीडिया या इस तरह की कोई अथेंटिक साइट जिसका जो है कि कब पब्लिश हुआ, कब ये सारी चीज़ें उस साइट में जा करके देखेंगे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये वाला चीज़ जो है कर सकते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन एक ऑब्जेक्शन वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्शन वाला कौन सा है, देखिए ये, होमोजिनिटी ऑफ टू और मोर पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशियंट कैन बी टेस्टेड बाय, जब जहाँ पे होमोजिनिटी की बात पूछ कर दी जाती है तो होमोजिनिटी आते ही मतलब ये काई स्क्वायर टेस्ट का नाम आता है। होमोजिनिटी का मतलब होमोजीनियस और होमोजिनिटी में अलग है, होमोजिनिटी की बात आती है तो हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करते हैं, और यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी ने आंसर दिया है आपका डी, 181 का डी है। आप इसको जो है SP गुप्ता के बुक में जा कर के देख सकते हैं, आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा, SP गुप्ता के स्टैटिक्स की बुक है वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज गिवन बाय सुम्पीटर, बट उसने आंसर दिया हॉटरे। ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी में या किसी डेवलपमेंट की थ्योरी में मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 144 जो कि दिया हुआ है आपका, एक मिनट, 144, ये 144 का सही है, यहाँ पे 145 का है, ट्विन डेफिसिट रिलेटेड टू,
तो ऑप्शन आपका सही होगा डी, करेंट अकाउंट डेफिसिट प्लस फिजिकल अकाउंट डेफिसिट। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ने आंसर दिए वो दिया है ए का, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है गलत है। ट्विन डेफिसिट का मतलब ही होता है करेंट अकाउंट प्लस डेफिसिट प्लस फिजिकल डेफिसिट, ये झिंगन की बुक में आपका दिया हुआ है। द टर्म्स ऑफ ट्रेड कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द इंडेक्स ऑफ वैल्यू एक्सपोर्ट बाई द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, तो ये आपका जो है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है, ये आप इंटरनेशनल के बुक या झिंगन के बुक में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे दिया होगा। नेक्स्ट है ये वाला 100 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज, तो ये होता है सेकेंड स्टेज, जबकि यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर दिया है नन ऑफ द एबव। ये आप माइक्रो की कोई भी बुक जो प्रोडक्शन वाली वहाँ पर जो है आप मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट है BIS का अर्थ, ये होता है नेट पे आप डालेंगे तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, जबकि यहाँ पे दिया है इंटरनेशनल सेटलमेंट और ये, तो और यहाँ पे आंसर में दिया है ये BNC और यहाँ पे ये, तो ये इसको मान रहा है जबकि ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। इस तरह से जो भी आपके क्वेश्चन गलत है आप वो फॉर्मेट में कर दीजिए, और 2 तारीख तक आपका ऑब्जेक्शन डेट है। और फॉर्मेट में देखिए ये मैंने बताया, आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, तो आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जल्दी जल्दी करें तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच।